तो गाइस कैसे हो आप लोग। मैं हूँ राज, आप देख रहे हो वाइटी स्मार्ट ट्रैक्स। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं NCS की टॉप 20 बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक। तो गाइस म्यूजिक जानने के लिए हमें पहले म्यूजिक चलाना पड़ेगा, तो अपनी बैकग्राउंड में म्यूजिक चलती है अब। तो गाइस बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रही है, क्या आपने कभी सुना है? सुना है क्या कभी? अगर नहीं सुना तो कमेंट में बताना कि नहीं सुने हैं। ऐसे मुझे सुनाई नहीं देगा अगर बोलोगे तो। कमेंट में बता दो सुने हो या नहीं। और अपनी दूसरी म्यूजिक है ये। तो गाइस अभी तो म्यूजिक चेंज होती रहेगी, इसे बाद में बात करते हैं म्यूजिक के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं कि टॉप 20 बैकग्राउंड म्यूजिक। तो हम टॉप 20 बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में आज बात करने वाले हैं, जो कि है जारिको की, NCS की है, नो कॉपीराइट सॉन्ग्स। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो गाइस सिंपल से। और डाउनलोड कर लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी वीडियो ऑर्डर की, जो कि स्पॉन्सर तो नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि वीडियो ऑर्डर से आप डाउनलोड कर सकते हो इन सारी वीडियोस को। आप किसी भी यूट्यूब वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो वीडियो ऑर्डर के थ्रू में। तो गाइस टॉप 20 जो है NCS की बैकग्राउंड म्यूजिक, तो गाइस वो है कि आप टॉप 20 बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हो, आप मतलब आप कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हो अपने बैक साइड में, जो कि आपकी शोर गुल होती है साइड में तो उसे बंद करने के लिए। लेकिन कभी कभी होता है क्या ना कि वो बैकग्राउंड म्यूजिक ही शोर करने लगती है। मतलब कि कभी कभी होता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक में कुछ कुछ सीन ऐसे आते हैं, या फिर कुछ कुछ पल ऐसे आते हैं जिसमें कि धम 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 होता है, या फिर कुछ अलग टाइप से। तो उससे हम सेट करने वाले हैं आज। तो सेट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आप जो भी अपनी बैकग्राउंड म्यूजिक है, आप अपने साउंड के लेवल से कम 10 गुना ज़्यादा नीचे रखना। मतलब आपके साउंड की लेवल इतनी है तो आप बैकग्राउंड म्यूजिक को इतने लेवल पे रखना। मतलब मान लो मतलब ज़मीन से, ये ज़मीन है तो ज़मीन से इतनी ऊपर वो बैकग्राउंड म्यूजिक रहेगी, और ज़मीन से इतनी ऊपर आपकी म्यूजिक रहेगी, आपकी मुँह की म्यूजिक रहेगी। उसमें वाकई गाइस देखो, पहली बात होता है ना कि आपकी म्यूजिक और उसकी म्यूजिक मिल जाती है कभी कभी, और जबकि सेम रहती है सेम लेंथ पे। तो और कभी कभी होता है क्या कि आपकी म्यूजिक ज़्यादा हो जाती है उसकी सुनाई नहीं देती, कभी कभी होता है क्या कि उसकी म्यूजिक ज़्यादा हो जाती है आपकी सुनाई नहीं देती। तो उसके लिए हम परफेक्ट चीज़ हम मैंने आपको बताया, मैं करके दिखा सकता था लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे जब बता सकता हूँ तो करके दिखाने वाली बात ही क्या है इसमें। तो गाइस ऐसे मैं बता दे रहा हूँ आपको कि बैकग्राउंड म्यूजिक को कम करना है और अपनी म्यूजिक को बढ़ा देना। और जारिको की बात रही जहाँ पे NCS की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो ऑर्डर की लिंक चाहिए जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हो, और अपनी यूट्यूब की सारी वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हो वीडियो ऑर्डर के थ्रू में, तो आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसके भी। और उसके पहले आप अपने आँखों का और अपने हाथों का सही इस्तेमाल करना सीख लो। पहले बात आँखों का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आँखों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं हम मेरी वीडियो को देख के, और हाथों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं बेल आइकन को दबा के और सब्सक्राइब बटन को दबा के और लाइक बटन को दबा के। उससे होगा कि आपके हाथों का प्रॉपरली वर्क हो जाएगा, और आपको आपकी जो हाथें होंगी उसकी भी एक्सरसाइज हो जाएंगी, और आपकी आँखों की भी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। आप अपनी आँखों को भी कोई तकलीफ ना दो, मेरी वीडियो को देखो बस। उससे आँखों की भी प्रॉपर आपकी हो जाएगी वर्क, और आपके हाथों के भी उंगलियों के भी प्रॉपर वर्क हो जाएंगे। तो चलो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, और टॉप 20 म्यूजिक को डाउनलोड कर लो, और वीडियो ऑर्डर को डाउनलोड कर लो, और उंगली का सही इस्तेमाल कर लो, और आंखों का सही इस्तेमाल कर लो। बहुत सारी वीडियो हैं, देख लो आराम से, आंखों का सही इस्तेमाल हो जाएगा, उंगलियों का इस्तेमाल सही कर लो। पहले तो सब्सक्राइब बटन दबा दो फिर बेल आइकन दबा दो। तब तक के लिए चलता हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।